निवास एबी रोड रसूलपुर बाईपास चौराहा पर निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सोने से लदे एक व्यक्ति को पकड़ा। उक्त व्यक्ति ने लगभग 1 किलो से अधिक सोना पहन रखा था, जो कि अंगूठी, चैन, ब्रेसलेट, घड़ी आदि के रूप में था। सोने के आभूषणों से लदा यह व्यक्ति लुइस पॉल चोगल झांसी से मुंबई अपनी कार MH02CM6465 से मुंबई कुर्ला जा रहा था। उससे बातचीत में बताया कि मैं अक्टूबर 17 को झांसी गया था, हमारा 10 दिन का चर्च का कार्यक्रम था। झांसी से मुंबई जाते समय देवास में नाकाबंदी के समय पकड़ा गया। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग द्वारा सख्ती बरतते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सोने से लदे पकड़े गए इस व्यक्ति को झांसी से मध्य प्रदेश तक किसी ने भी नहीं चेक किया, लेकिन देवास में पकड़ा गया। फ्लाइंग स्क्वाड के अनुसार चुनावी आचार संहिता में कोई भी महिला 500 ग्राम तथा पुरुष 250 ग्राम सोने से अधिक के आभूषण नहीं रख सकता। इस दौरान कस्टम विभाग के अधिकारी ने बिल देखकर लुइस को अपनी ओर से कागजी कार्यवाही कर जाने को दिया। वहीं लुइस चौगल को औद्योगिक पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। फिलहाल पूछताछ जारी है और आयकर विभाग अभी भी पूछताछ कर रही है। मैडम क्या करा आपने, की जगह खड़ी थी, क्या पाया गया? यहाँ रसूलपुर चौराहे पर फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है वो वाहनों की जांच कर रही थी। तो ये जो व्यक्ति है ये हम लोगों को मिला, क्योंकि हम लोगों को फ्लाइंग स्क्वाड में बताया गया था कि आचार संहिता के समय कोई भी महिला 500 ग्राम से ज्यादा और पुरुष 250 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं पहन सकता है। तो फिर इसको पूछा गया इससे, तो इससे बताया कि मेरे पास 2.25 किलो सोना में पहना हूँ और उसके कुछ कागज इसके पास नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने कस्टम और एक्साइज वालों को बुलाया और अब हम इसको थाने ले गए जहाँ पे इनकम टैक्स वाले अपने जो अधिकारी सेंटर था उन्होंने क्या बोला? उनका ये कहना है कि क्रूड सोना नहीं है, बिस्किट वगैरह नहीं है, इसलिए इसमें कार्रवाई इनकम टैक्स। मैम कहाँ से जा रहा था ये, कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? महाराष्ट्र का व्यक्ति है जो झांसी से आ रहा था और महाराष्ट्र जा रहा था। ठीक है, क्या नाम बताया इसने आपको? लुइस करके बताया। काम क्या होता है, क्या काम करता है? ठीक है, थैंक यू।